चक्षुर्मील ये नस्म श्री गुरवी नम व कृष्ण कोर्स आप कहोगे अबाउट कृष्ण लेकिन मैं सोच रहा था टॉक अबाउट एनिमीज श्रीपूज हमारे शत्रुफ संख्या छ की बताई है अरे अरे तो फिर आप कहोगे तो ये तो माया की कथा हो गई लेकिन है माया कृष्ण की तो इस माया को भी समझना होगा क्या भगवान गीता में खूब समझाए हैं माया की कथा कहो माया का परिचय कहो तीन तीन गुणों की चर्चा कहो या yeah. असुरी संपदा दैवी संपदा की चर्चा ये सब लगती तो है मायावी बातें या माया की कथा लेकिन उसको जानना भी अनिवार्य है ताकि हम फिर समझ सकते आ ये कृष्णा है ये माया है दिस इज माया जिसको हम नहीं समझते थे माया जैसी है माया एज इट इज़ को हम नहीं समझते थे शायद उसी को हम माया समझते भगवान समझते थे या नेचर वाल, 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 कई तरीके से उसको लोग समझते हैं और मानते हैं वह तो भगवान कहे मैं अध्यक्षे न प्रकृति सूयते स चराचर मैं सारे चराचर का चराचर का नियंता हूं नियंत्रक हूं सारे संसार के चराचर को मैं, मैं मैं हिलाता हूं मैं डुलाता हूं और ये कैसे होता है माया अध्यक्ष इन प्रकृति सूयते थे सोचारा तो मेरी प्रकृति माया के माध्यम से मैं सारे संसार का संचालन करता हूं इस प्राकृतिक जगत का देवी ऐशा ही गुणमयी मम माया दुरत्यया भगवान का है भगवान की माया भगवान की प्रकृति कैसी है गुणमयी गुणमयी गुणमय मतलब तो त्रिगुणमय तम सत्व गुणमय ये माया है और प्रकृते क्रियमाणी गुणई कर्मा सर्वश प्रकृति के तीन गुण जिनको या हम कई बार कहे हैं गुण मतलब डोरी भी रस्सी भी कहा जाता है गुणज और रूप्स तो भगवान या भगवान की प्रकृति फिर गुणमयी बनती है और फिर उसके हाथ में डोरी है डोरी के तीन प्रकार सत्व रजतम और गुणयी कर्मा सर्वशाह सभी से कार्य करवाती है ये प्रकृति गुणमयी माया तीन गुणों से किंतु अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहम इति मान्य लेकिन भगवान कहे तुमको नचा तो रही है मेरी माया मेरे माया के वशीभूत होके तुम सभी कार्य कर रहे हो लेकिन दुर्दैव से और अज्ञान से तुम समझते हो करता अहम नहीं नहीं मैं करता हूँ अहंकार विमूढ़ आत्मा जो विमूढ़ है विमूढ़ मूढ़ वो समझता कि अहंकार करता अहम लेकिन ऐसी बात नहीं है ये बात भगवान कह रहे हैं वह तो फिर अर्जुन ने कहा या पूछा अथ कें प्रयुक्त यूरुष बलादि बलादिवनियोजिता अर्जुन ने पूछा कि ये कौन है क्या है जो हमसे पाप का आचरण करवाता है अनिच्छन अभी हम नहीं चाहते हैं तो भी हम जानते हैं कि नहीं नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए पाप है नहीं लेकिन कोई हमसे जबरदस्ती पाप करवाता ही है न प्रयुक्त हो यम पापम चरति पुरुष तो इसके उत्तर में भगवान कहे अर्जुन काम ऐशा क्रोध एश रजोगुण मेरी त्रिगुणमयी माया में से जो रजगुण है रजगुण से उत्पन्न होता है उद्भव होता है किसका काम और क्रोध का और ये काम और क्रोध तुम्हारी इच्छा नहीं होते हुए भी या तुम फिर काम वश या क्रोध वश कार्य करते हो पापा पापाचार करते हो तो तो ये हो गए एनिमीज ये शत्रु हो गए न? या शुरुआत हो गई काम शत्रु है और क्रोध शत्रु है ये रजोगुण से उत्पन्न है तमोगुण से भी कुछ उत्पन्न होते हैं काम क्रोध लोभ मद मोह ये षड विकार या तो रजगुण से या तमगुण से उत्पन्न होते सत्वगुण से उत्पन्न नहीं होते या शुद्ध सत्व से उत्पन्न होते ही नहीं तो, तो काम हमारा शत्रु बनता है और सभी ये फिर कामात क्रोध हो विजा ये हमारी कोई कामना है कोई इच्छा है कोई योजना है काम क्रोधो विजा यते उसमें कोई विघ्न आता है कोई बाधा आ जाती है हम अपनी योजना के अनुसार आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं तो फिर क्या होता है क्रोधो हो भी जाए थे क्रोध आ जाता है कामात क्रोधो भी जाए थे या फिर प्रभात मिस्टर मिस्टर लस्ट एक काम महाशा और फिर क्या करते यंगर ब्रदर हा? इस काम का छोटा भाई काम अनुज ये क्रोध है तो काम वासना की पूर्ति नहीं होती कोई विघ्न आता है या कोई देरी होती है तो क्रोध आता है जब क्रोध तो होता ही है बस हमको पछाड़ लेता है पहले थे हम कामांध और फिर और अंधे हो जाते हैं क्रोधांध और सचमुच जब क्रोध आता है तो हम अंधे हो ही जाते हैं और ऐसा कुछ कार्य करके बैठते हैं बस बाद में पछताते हैं तो काम की पूर्ति जब नहीं होती है तो क्रोध उत्पन्न होता है लेकिन काम वासना की पूर्ति हो रही है अपनी योजना के अनुसार सारे काम बन रहे हैं तो फिर क्या होता है लोभ लोभ टेक्स ओवर हम लोभी बनते हैं पहले थे कामी बन गए क्रोधी या तो क्रोधी बन सकते हैं या फिर लोभी भी बन सकते हैं ग्रीड और चाहिए और चाहिए और चाहिए और चाहिए, और चाहिए। जैसे काम काम अग्नि की तो अग्नि जल रही है ही और उसमें कुछ फिर तेल डाल दिया कुछ मसाला डाल दिया तो वो अग्नि और भी प्रज्वलित होती है तो उसी का नाम है लोभ अच्छा लगता है और और चाहते हैं और चाहते हैं लोभी बनते हैं लो फिर लोभांध हो गए तो फिर इस प्रकार वैसे एक से दूसरे बन जाते हैं परिणत होते हैं काम से क्रोध या काम से फिर लोभ और लोभी बन के फिर बहुत कुछ प्राप्त किया बहुत कुछ इकट्ठा किया कई इंद्री तृप्ति के साधन विषय जुटा लिए धन है ये है संपत्ति है या अरे तो फिर काम क्रोध लो मद मद मतलब मद मत होते हैं मस्त हो जाते हैं नशा आ जाती है जो जो प्राप्त किया है लोभी बन के जो जो प्राप्त हुआ है उसकी नशा वी गेट इन के रेट इसको गर्व भी कहते हैं गर्व गर्वाचे घर गर नेहमीज खाली और अरे अरे तो हम गर्विष्ठ हो जाए गर्व आ जाता है गर्व हम कोई विशेष है एम दिस आई एम दैट इतने संपत्ति का मैं मालिक हूँ या हूँ ये देश? गर्व आ जाता है या वही है मद मध और ये मध या ये ये गर्व ही हमको या नशा तो है ही तो ये भ्रमित कर देती है काम क्रोध लोभ मध मोह हम व्यक्ति मोहित हो जाता है मोह मोह जाल जंजाल में और लिप्त हो जाता है मोहा या ममता और बढ़ जाती है अहम ममेती का और प्रभाव बढ़ता है और कामात क्रोधो विजायते क्रोधादती सम्मो क्रोधादी सम्मोहाँ भगवान सम्मोहा। गीता के द्वितीय अध्याय में कहे हैं कामात क्रोधो विजायते क्रोधा भवती सम्मोहा क्रोध से बीच वाले भी आइटम है या शत्रु है लेकिन आगे का नाम लिया हुँ। या हो सकता है किसी को आ वो बात की तो है कोई अधिक काम ही होता है कोई व्यक्ति अधिक क्रोधी ही होता है कोई अधिक उसको गर्व ही होता है दूसरे शत्रु उतना परेशान नहीं करते या छः के छः शत्रु पहले बता दो तो, तो देते हैं लिस्ट पूरी नहीं हुई तो हुआ तो मोह के जंजाल में फंसते हैं तो फिर मोह से फिर और आगे बढ़ते हैं मतलब वैसे नीचे पतन हो रहा है वैसे विकास नहीं हो रहा है विनाश हो रहा है काम से क्रोध क्रोध से लोभ से मद से मोह से okay masariya to height ho gayi, this is extreme masariya envy hatred then i say love love अंग्रेजी में लव कहते हैं लव का अपोजिट है हे, हेट तो काम क्या दूसरा एक्सट्रीम क्या है एन है या ये या मात्सरी है मत्सर तो हम वी एनवीएस और से मत्सर करते हैं मात्सरिय है। और उनकी कोई बात उनको अच्छी नहीं लगती लगता मेरे पास ये क्यों नहीं है मैं इसको भी चाहता हूँ इसको भी चाहता हूँ जिसके पास वो चीज़ है उसको हम चाहते हैं या उसके जैसे हम बनना चाहते हैं ये मात्सर्य है तो सभी तो शत्रु खतरनाक भयानक भयंकर तो है ही और उसमें फिर मत्सर्य और भी भयानक है भगवान या कृष्ण कहे द्वंद्व इतो विमत्सरा हमारा लक्ष्य तो है ओके इन सभी सभी शत्रुओं के अतीत पहुंचना है इन शत्रुओं के परे पहुंचना है तो यदृचा लाभ संतुष्ट यह भगवान की कृपा से यदृचा लाभ संतुष्ट हो जो भी नेचुरली आ जाता है प्राप्त होता है यद यदिच्छा यदृच उनकी इच्छा से यदृचा लाभ संतुष्ट हो जो प्राप्त हुआ है उनकी इच्छा से हमने कुछ प्रयत्न भी किया और फिर उन्होंने उनकी भी इच्छा है हम कुछ प्राप्त तो जो प्राप्त होता है या वैसे ये भी कहना ही चाहिए जितनी हमारी नीड है और उसकी पूर्ति भी हुई तो संतुष्ट उसमें संतुष्ट है जो व्यक्ति है मतलब वो वो परे पहुंच गया ये लोभ से परे पहुंच गया या फिर मात्सर्य से परे पहुंच गया तो मात्सर्य तो समझ तो ऐसी है कि वैसे जीव बद्ध जीव और, और जो जन है उनके साथ मात्सर्य तो चलता ही रहता है वो जलते रहते एक दूसरा देश दूसरे देश से जलता है दूसरे व्यक्ति से पड़ोसी से इससे उससे भाई बंदूक और बिजनेस पार्टनर्स एन बी एस अब लेकिन वैसे बद्ध जीव तो वैसे भगवान से मात्सर्य से शुरुआत हुई है उसका उसके बद्ध की या बद्ध जीवन की तो ओरिजिनली या टू तो बिगिन विद शुरुआत तो वो भगवान से मात्सर्य उसका चल रहा है या दिखता तो है कि वो और और किसी किसी का आ, के साथ मात्सर्य कर रहा है मात्सरता चल रही है लेकिन वो भगवान के साथ मात्सर्य और जैसे हमने कहा कि मात्सर्य जब जो व्यक्ति मत्सरी होता है मात मात्सर्य से प्रचुर भरपूर तो फिर जिसके साथ उसका मात्सर्य होता है उसके जैसा बनना चाहता है या उससे भी बढ़िया बनना चाहता है तो जी भगवान से मत्स या मत मत्सर करता है मत्सर। तो फिर, फिर उसके मन में विचार आ जाते हैं जो भगवान ने गीता में कहे हैं ईश्वरो अहम भगवान से मात्चर्य है इसीलिए अभी उसका विचार क्या हो रहा है ईश्वरो अहम मैं ईश्वर हूं और फिर ईश्वर हूं तो ईश्वर हूं तो मैं क्या करूंगा अहम भोगी मैं भोग भोगूंगा तो देखो तो बद्ध जीव उसकी हद हो गई इस पोजीशन ऑफ गॉड, ईश्वरो अहम ऐसा भगवान समझाए भगवान की माया भगवान जानते हैं बद्ध जीव कैसे कैसे सोचता है संसार में तो, uh, तो इस प्रकार ये शिपुफ या छे शत्रु बद्ध जीवों को या जो भी भगवान से विमुख हुए हैं विमुख हुए हैं और इसीलिए फिर वैसे सुदुखित जो जो विमुख होता है सुदुखित बढ़िया से दुख भोगता है ऐसा भागवत में कहा है तो वह हरी हरी तो शुरुआत तो होती है या या वो स्वयं हम भोगी भोगी बनना चाहता है तो ये भोग की वास्ता इसको रोगी बनाती है सारी विकृति मन में विकृति ये सब षड घुस जाते हैं या शड के चंगूल में फस फंसा हुआ है बद्ध जीव हम और कोई दूसरा तीसरा नहीं वो बद्ध जीव तो हम ही तो है तो ईश्वर हम फिर हम भोगी फिर इंद्रिय तृप्ति चाहता है विषयों के हुआ विषय भोग के जो साधन है उसको जुटाने में रात दिन वो व्यस्त है तो फिर चैतन्य चरित अमृत में चैतन्य महाप्रभु ही कहे आई थिंक सोमेंद्र री प्रीति तार बोले काम आत्मेंद्र प्रीति जो आत्म इंद्रिय अपनी इंद्रियों के तृप्ति के लिए जो प्रयास करता रहता है तो उसके सारे प्रयास फिर कामी या काम काम में परिणत होते हैं या यही या ये काम की परिभाषा भी है आत्मेंद्रिय प्रीति तार बल काम तो इस काम के बिल्कुल विपरीत और ये काम तो प्राकृतिक है तो प्राकृतिक के विपरीत जो अप्राकृतिक तो है या दिव्य है या अलौकिक है ओके अलौकिक है वो है प्रेम काम है प्राकृतिक फिर काम क्रोध लो मदमोह मात सर ये सब एक एक ये माया का प्रोडक्शन है माया का निर्मिति या काम क्रोध तो काम तो काम मतलब अपने खुद के इंद्रियों की तृप्ति का तृप्ति करना ही काम वासना है काम है और कृष्ण इंद्रिय प्रीति धरे प्रेम तार धरे प्रेम नाम और जब हम या जीव अपने इंद्रियों का उपयोग भगवान के प्रसन्नता के लिए करता है तो फिर वो सारे उसके कार्यकलाप या प्रयास वो प्रेम हो गया या प्रेमयी सेवा हो गई डिवोशनल सर्विस हुई भक्ति हुई ऋषिकेश न ऋषिकेश सेवनम भक्ति रोचते और ये भक्ति की परिभाषा भी है ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम ऋषिके न ऋषि ऋषिक ऋषिकों से ऋषिक मतलब इंद्रिय ऋषिकेन मतलब इंद्रियों से ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम किसकी सेवा ऋषिकेश की सेवा भगवान का एक नाम ही है ऋषिकेश ऋषिक रुशिक, ऋषिक ईश इंद्रियों के स्वामी इंद्रिय तो हमारे पास है हम समझते हमारी है लेकिन वैसे इन इंद्रियों के स्वामी या मालिक तो भगवान है तो ये ये सही समझ है तो इस सम ऐसे समझ के साथ जब व्यक्ति अपने इंद्रियों का उपयोग प्रयोग भगवान के सेवा के लिए करता है तो वही है भक्ति और वही है भक्ति पूर्वक किया हुआ या प्रेम प्रेम पूर्वक की हुई भक्ति या सेवा है डिवोशनल सर्विस है हरी हरी हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे क्वेश्चंस तो फिर आप दिन में हमें तो टॉपिक खोल दिया ये शड रिपो का यार तो पूरा तो नहीं होता इसकी और भी कई सारी